मेन आर्टिस्ट ही शुरू करते हैं तब तो उनको मिलती है ना शेयर मिलती है। आर्टिस्टों का क्या नाम लेंगे बेचारे, इंडस्ट्री से बाहर मिलेंगे आपको फिर वो। आई कैन नेम देम बट देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग देयर नेम। इट इज अ मैसेज टू ऑल द आर्टिस्ट, जितने नए लोग हैं सबके लिए है ये मैसेज कि प्लीज यू नो थोड़ा तमीज़ और तहजीब से काम किया जाए। हम बहुत डिफरेंट एक प्रोफेशन है हमारा, ऑफिस का माहौल नहीं होता है हमारे यहाँ। हम जब शूटिंग कर रहे हैं तो इट्स टोटल डिफरेंट एटमॉस्फेयर है ऑल टुगेदर, तो थोड़ा तमीज़ और उसके साथ काम किया जाए तो भी बेटर। बेशक दे डोंट वांट टू से गुड मॉर्निंग और हाय इन द मॉर्निंग इफ वन एंटर्स। अगर वो नए हैं कि भाई अभी 6 महीने ही हुए उसको आके इंडस्ट्री में या 8 महीने ही हुए, तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वी लर्न एट होम एंड इन स्कूल कि व्हेन एल्डर्स कम टू यू, यू आर सपोज टू से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, वट एवर, हाय, हेलो, और कुछ नहीं तो यो ही कर दो। अगर इतना मॉडर्न हो तो यो कर दो, तो यो कर दें हम तुमको। लेकिन है एको बात आ गई आर्टिस्टों में, दे डो नॉट मतलब गुड मॉर्निंग कहना भी उनको गवारा नहीं है। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, इन बिहार आल्सो 100 चिल्ड्रन डाइड, डेथ हुई है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए अगर आप कुछ? बेटा एक जगह की तो बात है ही नहीं, सिर्फ बिहार में, ऑल ओवर एवरी वेयर इट इज़ द सेम थिंग कि गरीब बहुत मारा जा रहा है और हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मीडिया के थ्रू हो, चाहे प्रेस हो, कि भाई हम इतना बोलते हैं बहुत अफसोस हुआ, इट्स वेरी सैड, लेट देम रेस्ट इन पीस। नो, वी हैव टू डू बिगर। द पीपल हु आर पावरफुल दे आर सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो, बिकॉज सिर्फ बातें करके रह जाना, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया, कह रहे मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस ये होता है कि देखते वक्त ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इंडिया, ऑल ऑफ अस। बॉम्बे को देख के रोना आता है, हम बॉम्बे में पले बड़े हैं, पैदा यहीं हुए हैं, वी सी द रोड्स एंड वी सी द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज सिक, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर बच्चों को ग्लूकोज लगा हुआ है, सो ऑल ओवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ ट्रैजिक फॉर अस नाउडेज। हम ट्रेजिडी से ज़्यादा और नो हल्की फुल्की चीज़ों से कम हमारा वास्ता पड़ रहा है। दैट्स व्हाई द फिल्म लाइक शादी के पता से इज़ लाइक अ, इट वाज अ रिलीफ फॉर मी एंड असरानी जी काइंड ऑफ पीपल, लाइक यू नो कि ओह गॉड बॉम्बे की वो भीड़ और भड़का और इतनी पोल्यूशन से हम दूर आके वहाँ गांव में आराम से शूट करें। वी यूज़ टू इन्जॉय द थिंग, वो चारपाई पे मतलब खाना खा के मैं ऐसे सोती थी जैसे घोड़े बेच दिए मैंने, विच आई कैन नेवर स्लीप हियर इन बॉम्बे। सो इट इज़ सैड ऑफ कोर्स बिहार के जो बच्चों की हालत हुई है एंड सो मैनी ऑफ देम, तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि मैं ये सब चीज़ें कम हो क्या, ख़त्म हो जाएँ ये सब चीज़ें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें, एवरीबडी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो माई प्रेयर फॉर एवरीबडी, मैंने रमज़ान में भी यही प्रे किया कि रोज़े रखे कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको सेहतमंद रखे, और जो हमारे पे आफतें आई हुई हैं, ये बोलते हैं ना दूसरे लोगों की वजह से जो आफतें आई हुई हैं वो कम। अरे छोड़ो यार, आई हेट दिस क्रिकेट थिंग। मैंने देखी नहीं बेटा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ईदी देने में चली गई ना तो मेरे पास था ही नहीं, वो दी किसी ने नहीं ईदी, मुझे देनी पड़ी सबको ईदी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं भारत कहाँ जाकर देख दिया इनॉर आईनॉक्स में, एक्सपेंसिव टिकट 400-500 टिकट, तो मेरे जैसा आदमी तो नहीं भाई अफोर्ड कर सकता, सो आई डेंट सी, सो आई डोंट नो वट भारत इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू। मैं कौन हूँ? मुझसे पूछ रहे हैं सेंटर लुक, ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ और मैंने इसमें वन ऑफ द मेन लीड करेक्टर प्ले किया हुआ, और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो लिखते लिखते मतलब जब मुझे पता चला कि असरानी जी और वो शगुफ्ता जी कर रहे हैं करेक्टर, तो मैंने ज़िद कर ली डायरेक्टर से कि मुझे ये करेक्टर करना है, और प्रोड्यूसर से आपका कॉन्सेप्ट था, इन सबसे मिल के मैंने अपने करेक्टर को लेकर डिमांड किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने करेक्टर किया। हाँ देखिए,
जी देखिए, ये कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में, मैंने कॉन्सेप्ट शाह जी को सुनाया, तो पहले प्लानिंग नहीं थी फिल्म मेरा प्रोड्यूस करने की, तो मैंने कॉन्सेप्ट शाह सर को सुनाया, तो हमने स्क्रीन प्ले इसका इन्होंने लिखा, अच्छा डायलॉग्स लिखे, तो फिर मुझे लगा नहीं करनी चाहिए फिल्म, तो ये कॉन्सेप्ट था एक जहन में, फिर मैंने इनको समझाया, तो फिर ये जो फिल्म बनी आ गया, कि इस फिल्म का हिस्सा बनी। फिल्म में जो खास बात है, एक वहाँ के कल्चर जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वहाँ के, कश्मीरी कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है, तो दो फैमिलीज की कहानी है, उसमें जो वहाँ का कल्चर है उन दोनों के बीच में जो नोकझोंक रहती है, वो एक फैमिली ड्रामा, वो सारी चीज़ें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, तो एक कल्चर, एक ब्यूटी, एक सिंपलिसिटी है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें जो है जो अट्रैक्ट करती हैं एवरी इंडिविजुअल को, तो जब आप किसी एरिया का कोई कल्चर देखते हैं तो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, असरानी जी एक लेजेंड हैं इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो, उनके साथ काम करने का जब उन्हें सुना ही था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे, जब वो लोग सेट पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे, और शगुफ्ता जी ने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए, तो उन्होंने मेरे मदर फादर का रोल प्ले किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। शाहिद जी ने अप्रोच किया था जब मुझे बताया गया कि शगुफ्ता जी और असरानी जी है, तो बहुत खुशी हुई मुझे, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, एज अ प्रोड्यूसर भी और छोटा सा एक्ट भी किया मैंने इसमें, तो एज एक्टर एज अ प्रोड्यूसर में बहुत खुशी हुई कि मैं जो है सीनियर एक्टर से कैसे काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है और सीनियर एक्टर से खुशी हुई पैसे लगाने में कि असरानी जी के साथ लगा रहा हूँ। ओके थैंक यू, थैंक यू, ठीक है चलो, थैंक यू, मुझे एड्रेस करना है यार, चलेगा। हाँ फिल्म के बारे में एक्चुअली, एक हमारे जम्मू कश्मीर के दो कल्चर हैं अलग अलग, अभी तक सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर से कोई भी आता तो हर कोई जानता है कि कश्मीरी है, बट जम्मू कश्मीर में दो कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है जो बिल्कुल नॉर्थ पंजाबी स्टाइल का कल्चर है, तो ये दो कल्चर की जब फैमिलीज़ मिलती हैं उसके बारे में है, थोड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं क्योंकि पंजाबी और कश्मीरी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उसके बारे में एक स्वीट सी कहानी है जो एक्चुअल में रियल कहानी है हमारे एक गांव की, जो मैंने सुनी थी, मुझे अपील की, तो मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए। इसके लिए सो सॉरी, एक्चुअली क्या है कि वो एक तो कश्मीर में अभी कल से उनका शूट है फिल्म का, दोनों का, और दूसरा ये है कि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो यहाँ से है नहीं है, तो बट फिर भी वो आ जाती, बट प्रॉब्लम मेन वो है कि उनका शूट है वहाँ पर फिल्म का, वो भी एक रीज़न है कि वो नहीं आ पाई, तो वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे जिसका वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो एक 12th पास लड़के का कैरेक्टर है, विच इज़ वेरी बॉय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर, और मेरे लिए बहुत अलग कैरेक्टर करने को मुझे मिला, पोर्ट्रे करने को मिला, क्योंकि मैंने जो नॉर्मली पहले कैरेक्टर्स किए हैं वो थोड़े आप कह सकते हैं फंकी और कोल्ड डूड टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो कैरेक्टर था ये बिल्कुल ही एक गांव का कैरेक्टर, एक स्वीट सा इनोसेंट सा लड़का है जो कि 12th पास है और उसकी शादी हो जाती है, और इस तरह का कुछ कैरेक्टर जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए करने। मुझे जब ये स्टोरी शायद ने नरेट की थी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और पहली बात तो ये कि मैंने इस तरह का कुछ भी जॉनर ट्राई नहीं किया है पहले, और ये मुझे बहुत ही अपील किया कैरेक्टर, और यही एक वजह थी कि मैं चाहता था कि इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल करना, ताकि मेरी प्रोफाइल में भी वो एक अच्छे से ऐड हो जाए, और आई रियली वांटेड टू डू दिस कैरेक्टर। मुझे लगता है फैमिलीज़ तो चाहे नॉर्थ की हों या गुजरात की हों या कहीं की भी हों, फैमिलीज़ तो रिलेट करेंगी 100%, क्योंकि फैमिली ये हर घर की कहानी है, हर घर में यही होता है, बुरा कोई भी नहीं होता है, बस छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो हर घर में ये होता है कि एक नई बहू आएगी, कई बार बड़ी बहू और छोटी बहू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को हमने ह्यूमर में रखा है, बहुत सीरियस नहीं किया है, आगे जाके हल्का हल्का इमोशंस भी हैं, बट ओवरऑल उसको ह्यूमर में रखते हुए हमने वो मैसेजेस भी रखे हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो इनकी बड़ी बहू है वो पढ़ी लिखी नहीं है बट वो बहुत अच्छी इंसान है, बट वो मिसगाइड हो जाती है, वो पंगे करने लगती है, नाटक करती है कि यार मैं तो नौकरानी बन गई, वो तो पढ़ रही है और मैं काम कर रही हूँ घर का, तो बट फाइनली उसको भी समझ में आता है कि नहीं यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, हर किसी का अपने अपने एक जगह होती है और अपने अपने टाइम पे वो अपनी चीज़ें करता है, तो हर घर की कहानी है ये। क्या मैसेज मैसेज
मैसेज यही है कि एक्चुअली छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते कि ठीक है एजुकेशन उनके लिए इतना होता है कि 10th हो गया, 11th, 12th हो गया, देन कॉलेज भी जा रही है, अगर सडनली रिश्ता आ जाता है तो शादी हो गई तो ख़त्म, वहीं वो थप्पा लग जाता है, लाइफ ख़त्म पूरी तरह से। फिर आप अपने पहले माँ बाप के लिए ज़िंदगी जीते हो, फिर उसके बाद आप अपने पति के लिए, उसके और ससुराल के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए ज़िंदगी, तो लड़की की लाइफ कहीं रहती नहीं है। तो ये एक लौती एक ऐसी लड़की होती है जो चोरी से सुट्टा भी मार लेती है सिगरेट का, जो मन करता है, उसको लड़का पसंद है तो बोल रही है कि यार ये लड़का कितना अच्छा, जबकि उसको पता है वो पीछे पीछे आ रहा है उसके, वो खुद ही उसको प्रपोज करना चाहता है। और एक ऐसी लड़की है जो बिंदास है, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, शादी के बाद पढ़ना है, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, घूम फिर के इंसान वहीं आता है। बट ये है कि पॉजिटिव लड़की है और एनर्जेटिक है, और वो एक मैसेज है, उसके कैरेक्टर जो है वो पूरा एक मैसेज है कि आप एक लड़की अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती है, वो भी चीज़ उसके अंदर है, ह्यूमर में है बट है। थैंक यू यहाँ पे जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे, एक हल्की कॉमेडी फिल्म है ये, थोड़ा सा बताइए आपने ट्रेलर देखा कैसे लगा? ये ट्रेलर देख के बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि राष्ट्र असरानी साहब ने कहा कि ऋषि दा की याद दिलाई उन्होंने, ऋषि मुखर्जी जोन की फिल्म है ये, और इस टाइप की फिल्में आप कंपेयर तो खैर उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उन कंपेरेटिवली बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन हर फिल्म मेकर ने कहीं ना कहीं छोटे पैमाने से शुरू किया है, तो डिस्करेज किए बिना ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, और शाहिद के साथ मैं इससे पहले एक फिल्म कर चुका हूँ जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, लतीफ़ सलारिन, उसमें मैंने लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और ये फिल्म बहुत प्यारी है। मैंने एडिटिंग पे ही ये फिल्म देखी थी और मुझे पसंद आई थी, और स्पेशली द परफॉर्मेंसेस जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस अर्जुन हैं, सनम हैं, तारिक है, नेहा है, और ऑफकोर्स असरानी जी, शगुफ्ता जी और उनके पेरेंट्स हुसैन भाई, रानी जी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शगुफ्ता जी ने खुद ही सारे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, सबके सब मंझे हुए कलाकार हैं, जब भी बॉलीवुड से J&K में कोई भी फिल्म मेकर जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे नहीं शायद, यहाँ पे एक्टर्स होंगे नहीं शायद, तो वो मोस्ट मुंबई से ही आर्टिस्ट बुलाते हैं, लेकिन जब मैंने कई बार काफ़ी फिल्मों में ये भी नोटिस किया है, मैं खुद J&K से ही हूँ, मेरी शुरुआत तो कर कुछ फिल्में की हैं अभी तक मैंने यहाँ पर, लेकिन जब भी वो फिल्म मेकर्स वहाँ के टैलेंट को देखते हैं तो दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज, विच इज़ गुड फॉर द लोकल इंडस्ट्री, जो वहाँ की छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है, और काफ़ी सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, हमने भी एक दो फिल्में बनाई वहाँ पे J&K फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और शाहिद के बड़े भाई राहत भाई, मैं, मेरा दोस्त हुसैन भाई, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए वहाँ पे, दैट्स ऑल। अभी तक ऐसा जैसे कि सब्सिडी की बात है UP गवर्नमेंट का जो है, और शायद झारखंड में भी शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अप्रोच तो कई बार किया गया, इनफैक्ट हमने भी अपने लेवल पे बात की कई बार गवर्नमेंट से कि कम अप विथ सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस, हमने फिल्म बनी थी वहाँ पे जिसे J&K गवर्नमेंट और J&K बैंक ने भी सपोर्ट किया था, और फिल्म मेकर वॉज फ्रॉम बॉम्बे, और हमने उसी का रेफरेंस देके कहा कि लाइक वी आर द मेकर्स फ्रॉम J&K तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट हमें नहीं मिला, थोड़ा सा बेनिफिट मिला लेकिन इन नॉट, अगर हम देखें कंपेयर टू 2 करोड़ 4 करोड़ उसके मुकाबले में दे वर लाइक पीनट्स। सो यस, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ की बेसिक लोकल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए काफ़ी काम कर सकती है, बट ये वे देज ए विल देज ए वे, तो हम उसका वेट किए बिना ही अपने एफर्ट्स लगा के, चाहे हम अपने पैसे लगा रहे हैं या मार्केट से पैसे उठा रहे हैं, हमने सीधा इंटरेस्ट पे भी पैसा लिया है पिछली फिल्म के लिए, और कई बार हमने एज एन आर्टिस्ट फ्री काम किया है, क्योंकि देयर वाज एन एग्जांपल फॉर द लास्ट फिल्म आल्सो कि एटलीस्ट दैट्स माय कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, तो दैट्स व्हाट, लेकिन गवर्नमेंट से अभी तक उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो J&K के लिए तमाम सेक्टर गवर्नमेंट ने महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने लापरवाही बरती वहाँ, जो अभी तक स्टार या कलाकारों को इस तरीके का प्रावधान जो लोग और स्टेटों में मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है, तो
मैं गवर्नमेंट के बिना पे बात तो खैर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और क्यों नहीं बेनिफिट हुआ उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमें 8 महीने लगे अपनी फिल्म कश्मीर डेली जो हमने बनाई थी, उसको एक ऑडिटोरियम हमें चाहिए था, तो उसे हमें उस प्रोसेस में जो अपने डायरेक्टर हैं हुसैन साहब, उसे 8 महीने चक्कर लगाने पड़े दफ्तरों के। एक इफ़ यू डोंट हैव अ पुश, अगर आपके पास कोई बैकिंग नहीं है इधर पॉलिटिकल और कोई जिसको कहें कि रेफरेंस है और यू आर द मनी पर्सन, लेकिन आपके पास बड़ा अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बड़ा बिजनेस है, तो एवरीबॉडी विल वेलकम यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें तो उम्मीद है कि अच्छा हो। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नर साहब हैं हमारे और उनसे भी अप्रोच कर रहे हैं कि जो वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है वहाँ पे, उम्मीद है कि अच्छा हो हमारे लिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट। केसरी एक बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए, बिकॉज वो धर्मा की, और मैंने उसमें मेन लीड नेगेटिव प्ले किया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम द पंजाब सेक्टर वर्ल्ड वाइड, और ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग सराह रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, क्योंकि विलन होते हुए भी मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव था उस फिल्म में। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म, और प्लेइंग मेन लीड इन धर्मा फिल्म प्रोडक्शंस फिल्म और अक्षय कुमार साहब के साथ दूसरी फिल्म थी मेरी, तो इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और उस वजह से काफ़ी दरवाजे खुले, काफ़ी अप्रोच हो रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में अभी बात चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। सर आपने अक्षय सर के साथ काम किया है, तो अभी थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी के साथ वो एक फिल्म कर रहे हैं सूर्यवंशी जी, और इंशाल्लाह के बीच में क्लैश था तो उन्होंने फिल्म को पीछे ले मतलब पहले प्रीपोन किया, तो रोहित शेट्टी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ट्रोलर्स का काम है ट्रोलिंग करना, एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहें। दैट इज़ अ गुड वेल जस्टर फ्रॉम एक्चुअली सलमान खान का मुझे ट्वीट याद है कि लाइक ही सेड लाइक रोहित शेट्टी इज़ अ ब्रदर, उसने अपना फिल्म को क्लैश किए बिना ही अपनी फिल्म आगे लाई, जो कि आई थिंक सलमान का बर्थडे है वो 27th of March, विच इज़ अ गुड वेल जस्टर, बिकॉज ये छोटी सी इंडस्ट्री है, चाहे हम कितने भी डिफरेंसेज पाल के रखें कहीं ना कहीं ये गिने चुने लोग ही हैं जो आप अगर काउंट करते रहें, प्रोडक्शन हाउसेस से लेके बड़े एक्टर्स से लेके छोटे एक्टर्स तक भी यू कैन थिंक काउंट, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको जानते ही होंगे, जितने भी सारे लोग हैं यू नो हु आर द राइट पीपल हु आर नॉट द राइट पीपल, और ये अच्छा जस्टर है अगर उन्होंने अपनी फिल्म आगे की है। तो ट्रोलर्स अपना काम करते रहें, एक्टर्स अपना काम करते रहें, फिल्म मेकर्स अपना काम करते रहें, कारवां चलता रहेगा ऐसा। थैंक यू वेरी मच। वेल ट्रेलर जो है इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, और कुछ नया देखने को मिल रहा है अभी स्क्रीन पे हमें, जिस तरह से अभी ऑडियंस का रिस्पॉन्स मैंने देखा तो पीपल आर लाइकिंग इट, एंड दिस इज समथिंग वेरी यू नो अनयूजुअल, इस तरह की जो फिल्म्स अभी बनना जो स्टार्ट हुई हैं तो उस जॉनर में जो है इट इज़ लुकिंग वेरी यू नो रिफ्रेशिंग। और जहाँ तक मूवी का है, मूवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक स्टोरी है, एक स्वीट सी स्टोरी है, इट्स अ लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा, तो फन एलिमेंट बहुत है इस मूवी में, और ये जम्मू कश्मीर की स्टोरी पे बेस्ड है, और इट्स बेसिकली अ ट्रू स्टोरी जो कि हमारे प्रोड्यूसर सजाद जी ने डायरेक्टर जी को नरेट की थी, तो वहाँ से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लेके उनको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, सो ही थॉट ऑफ मेकिंग दिस मूवी। और इसमें एक स्वीट सी स्टोरी है जो कि एक गांव की है, वहाँ पे जो एक फैमिली है लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, और कैसे उसमें स्वीट सी स्टोरी के हिसाब से ये जो लड़का लड़की होते हैं दे फेल इन लव विद ईच अदर, बट उनका अरेंज मैरिज हो जाता है, और उसके बाद शादी के बाद के जो इसमें पतासे की बजाय जो व्हाट इज़ एक्चुअली शादी के सियापे जो बाद में होते हैं, जो नोकझोंक हर घर में होती हैं बट इन अ फन वे, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है, और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मूवी। मैं पूरा क्वेश्चन भूल गया आपका, मैं इतना बिजी मतलब इन्वॉल्व हो गया था इनके वो सुनने में, मैंने कहा इतनी अच्छी नरेशन करते हैं। आपको क्वेश्चन था कि जब ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब आप कोई काम करते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसको बहुत देर से देख रहे हैं, आप एडिटिंग पे देखते हो, साउंड मिक्सिंग पे देखते हो, तो आप फिर जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप खुद कोई काम करते हो, तो उस टाइम पे जब ऑडियंस का रिस्पांस आता है तो वही आपके लिए एक वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपको पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो जो रिस्पांस था, हाँ जितना भी रिस्पांस था ऑडियंस का बहुत अच्छा था, सारे मीडिया ने बहुत तारीफ की और जितने भी हमारे एक्टर्स आए हुए थे सब ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। शादी के पतासे, पतासे जो है एक्चुअली यहाँ पे शायद बतासे बोलते हैं इनको, हमारे वहाँ तो पतासे ही बोलते हैं,
हाँ तो पतासे एक मिठाई है खाने वाली, तो शादी में जैसे लड्डू बनते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे हमारे होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट, हमारे वहाँ पे वैसा पतासे फेमस हैं काफ़ी। तो ये वहाँ शादी पे नॉर्मली मतलब फैमिलीज में ये सब मतलब बांटे जाते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत आई गेस सस्ते भी होते हैं एक्चुअली। जब बेसिकली जब वहाँ पे लेडी संगीत होते हैं या वैसा कुछ होता है तो काफ़ी सारे फीमेल्स जब आते हैं तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इट्स दैट काइंड ऑफ स्वीट। तो ये स्वीट है तो इसको हमने उस ऐसे रिलेट किया कि जैसे शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मतलब शादी के पतासे, तो इसको वहाँ से रिलेट किया उसके साथ की शादी के मतलब पतासे वतासे तो खा लिए हैं, शादी के साइड इफेक्ट्स, एक्चुअल में इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। शादी के पतासे वो सिर्फ मतलब उसी दिन अच्छे लगते हैं जिस दिन आपकी शादी हो रही है, वो दो दिन का जो एंटरटेनमेंट और उसके बाद शादी के बाद जो घर पे एक खट्टा मीठा नोक झोंक वाला रिश्ता जो देखने को मिलता है वो दिखाया गया है। जम्मू में मतलब जम्मू कश्मीर, अगर यहाँ पे अब जम्मू का इतना तो जम्मू के जो प्रॉपर एरिया है वहीं पे इसका हुआ है, कुछ पार्ट कश्मीर में हुआ सॉन्ग्स को लेके, हमने पुंछ वहाँ पे एक एरिया है कुछ वहाँ पे शूट किया, तो ऑलमोस्ट लोकेशन सारा जे एंड के ही था। शूट के दौरान कैसे मस्ती होती थी कुछ अगर इसके बारे में बताओ। शूट के दौरान मतलब जब शूट चल रहा होता था तब तो हम लोग बहुत सीरियस रहते थे और अच्छे से काम करते थे, बट आफ्टर पैकअप हम लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते थे। अब असरानी जी होते हमारे सीनियर एक्टर्स थे तो हमें काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता था कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मतलब कल को उनको ठीक ना लगे, तो काफ़ी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था कि पहले काम हो जाए, अच्छे से हो जाए उसके बाद मस्ती का टाइम। हाँ तो बाकी हम तो शूट पे तो मस्ती करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी है। हाँ अगर फन वे में अगर हम अच्छे से शूट करेंगे मस्ती के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट भी आपका अच्छे से निकल के आएगा। ऑडियंस के लिए तो एक ही बात बोलूँगा यार कि फिल्म देखो, आपका जो रिस्पांस है उससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आप मतलब आगे काम करने में बहुत आसानी होगी, आप कैसा रिस्पांस आता है, हम लोग कैसा काम करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, ये सब आप ही बताओगे हमें। खुद तो बंदे को लगता है मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा है और ह्यूमर है इसमें, तो ये जॉनर ऐसा है जो हर एक हर किस्म की ऑडियंस जो है वो इन्जॉय करती है और ऑडियंस इसके साथ रिलेट भी करेगी, तो एक दर्शक जो है थिएटर में आता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और एंटरटेन होने के लिए, तो ये फिल्म एक ऐसी है जो एक कंप्लीट पैकेज देगी। एक सवाल और है कि फिल्म दो पूछो वेल वो हम लोग तो नहीं बता सकते कि कलेक्शन का क्या रहेगा, बट मैं तो खुद से 4-5 बार देखूंगा जाके और अच्छा खासा टिकट खरीदूंगा महंगा वाला। एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से प्रोडक्ट निकल के आया है फिल्म, तो अच्छी है, चलनी तो चाहिए, एंड आई एम श्योर इट विल डू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।